जय बागेश्वर धाम, जय सीताराम। दोस्तों, घर में चींटी आने के क्या संकेत होते हैं, शुभ या अशुभ? आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं कि चींटियां घर में क्यों आती हैं और इनके क्या संकेत होते हैं। दोस्तों, घर में चींटियों का आना आम है, क्योंकि हम कोई भी झूठा भोजन या खाद्य पदार्थ छोड़ देते हैं तो उसका सेवन करने के लिए चींटियां अपने आप चली आती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चींटियां घर के उन स्थानों पर भी आने लगती हैं जहां साफ सफाई होती है। आपको बता दें कि ज्योतिष में घर में चींटियां आने के शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। चींटियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, लाल और काली। घर में चींटी आने से क्या होता है, कौन सी चींटी आना घर में शुभ मनाता है और कौन सी अशुभ, इसकी जानकारी आपको यहाँ हम बताने वाले हैं। चींटियां घर में ऊपर की ओर जा रही हैं या नीचे की ओर जा रही हैं, इसके अलावा आपके घर में आई चींटी को कुछ खाने को मिल रहा है या नहीं, ये सभी घटनाएं हमारे भविष्य में होने वाले शुभ और अशुभ कार्यों के संकेत देती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि घर में चींटी आने से क्या होता है, घर में चींटी आने के संकेत शुभ होते हैं या अशुभ, घर में काली चींटी आने से क्या होता है, घर में काली चींटी का निकलना घर में लाल चींटी का निकलना कैसा होता है, ज्योतिष शास्त्र में काली चींटी का संबंध शनि ग्रह से बताया गया है। यदि घर में अचानक लाल चींटियां दिखाई देने लगे तो सावधान रहना चाहिए, क्योंकि घर में लाल चींटी आना आर्थिक विपत्ति आने का संकेत देता है, अर्थात आपको कहीं कोई घाटा नुकसान होने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चींटी संकेत देती है, यह भविष्यवाणी नहीं होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हरे महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी भोले बाबा हर मनोकामना जल्दी पूरी करें। और अगर आप भोले बाबा को मानते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं पर गौर करें तो भविष्य की परेशानियों, विवाद, धन से खर्च होने के संकेत भी चींटियां देती हैं। अचानक कोई ऐसी जरूरत आने वाली है जिसके कारण आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। लाल चींटियां अनचाहे लोन का संकेत देती हैं, इसलिए अगर घर में लाल चींटियां आ रही हैं तो स्थितियों पर नियंत्रित करें और सतर्क रहें। लाल चींटियों की कतार मुंह में अंडे दबाकर निकलते हुए देखना शुभ होता है, सारा दिन शुभ और सुखद बना रहता है। अगर काफी सारी चींटियां एक साथ एक लाइन में चले तो ये भारी और तेज बारिश होने का संकेत देता है, इसके साथ ही ये अच्छी फसल होने का भी संकेत देता है। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर चींटियां चावलों के भरे हुए बर्तन में से निकलते हुए दिखे तो यह आपके लिए शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ दिनों बाद ही धन वृद्धि का योग शुरू होने वाला है। इस स्थिति में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। जो चींटी को आटा डालते हैं और छोटी छोटी चींटियों को चावल देते हैं वे बैंकों के जाते हैं और उन पर माता लक्ष्मी कृपा हमेशा बनी रहती है। उनके घर में कभी भी धन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं रहती है। कर्ज से परेशान लोग चींटियों को शक्कर और आटा डालें, ऐसा करने पर कर्ज की समाप्ति जल्दी होती है। चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालते रहने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और भगवान भोलेनाथ का हमेशा आशीर्वाद भी रहता है। साथ ही दोस्तों, यदि घर में काले रंग की चींटियां दिखाई देने लगे तो यह एक शुभ संकेत होता है, आपके जीवन में कोई बदलाव होने वाला है, कोई ऐसा परिवर्तन जो आपके लिए लाभदायक होगा, आपके परिवार के लिए मंगलकारी होगा। जब आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाए कि काले रंग की चींटियां का आगमन जीवन में बदलाव के लिए हो रहा है तो उसके स्वागत में आटा डालना शुरू कर दें। आपके इष्ट देव को जब यह पता चल जाएगा कि आप तक संकेत पहुंच चुका है तो चींटियां अपने आप वापस लौट जाएंगी। घर में कम संख्या में काली चींटी की मौजूदगी घर में सुख शांति समृद्धि के लिए सकारात्मक संकेत है। काली चींटियां जिस घर में समूहबद्ध में घूमती हैं उस घर में सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। घर में सोने की चीजों की जगह से काली चींटियां निकलती हैं तो यह बहुत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ण आदि धन की वृद्धि होने वाली है। घर की छत से चींटियां निकलती हैं तो धन संपत्ति और भौतिक चीजों में बहुत जल्दी
आपको फायदा होगा। काली चींटियां आपके घर में उत्तर दिशा से आती हैं तो आपके लिए शुभ संकेत होते हैं। दक्षिण दिशा से अगर चींटियां निकले तो यह लाभदायक होती हैं। अगर घर में काली चींटियां ज्यादा संख्या में हो तो यह अशुभ होता है, इसे बाहर निकाल देना चाहिए। चींटियां घर में पूर्व दिशा से आती हैं तो नकारात्मक सूचना आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर चींटियां पश्चिम दिशा से निकले तो बाहर जाने के संकेत होते हैं। चींटियों के अलावा दूसरा शकुन है कि अगर घर में दीमक या मधुमक्खी का छत्ता होता है वहाँ पर गृह स्वामी को असहनीय पीड़ा हो सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे शेयर जरूर करें, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल से हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता रहे। हर हर महादेव।